नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। बड़ी खबर जनपद फरुखाबाद से सामने आ रही है, जहां कायमगंज ब्लॉक के कोटेदारों ने आज कायमगंज बाईपास मार्ग पर गल्ला गोदाम के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया तथा गोदाम प्रभारी पर उत्तर प्रदेश गन्ना परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री रोहताश पटेल सहित तमाम कोटेदारों का शोषण करने का आरोप लगाया। उपजिलाधिकारी को संबोधित करते हुए 5 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया कि कायमगंज गोदाम के प्रभारी सुधीर कुमार ब्लॉक के सभी कोटेदारों का शोषण करते हैं। प्रदेश संगठन मंत्री ने बताया कि चावल तथा गेहूं के पैकेट तोल में गोदाम से ही कमा रहे हैं। केंद्र प्रभारी द्वारा गोदाम खोलने का कोई भी समय निर्धारित नहीं है, वह अपनी मनमर्जी से गोदाम खोल रहे हैं। वहीं प्राइवेट आदमी से नंबर लगवाने के 100 रुपये प्रति कोटेदार द्वारा लिए जा रहे हैं, जो कि गलत है। शिकायत करने पर केंद्र प्रभारी कोटे पर जांच करने की बात कहकर धमकाते हैं, तो वहीं सभी कोटेदार आज गल्ला गोदाम पर हड़ताल पर बैठे हैं। ज्ञापन में उपजिलाधिकारी से मांग की गई है कि उक्त समस्याओं का समाधान किया जाए, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पटेल, आप कोटेदार प्रदेश सत्ता गल्ला परिषद का, मैं प्रदेश संगठन मंत्री। अच्छा, क्या कोटेदारों क्या समस्या है जो धरना? कोटेदारों की समस्या ये है कि यहाँ गोदाम प्रभारी जो हैं वो अपनी मनमानी मर्जी से दुकान गोदाम खोलते हैं, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। ये नियम नहीं है, गोदाम नियमानुसार खुलनी चाहिए, समय से और समय से ही बंद होना चाहिए। पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है कि ये गोदाम प्रभारी किसी भी कोटेदार को खाद्यान्न तौलकर नहीं देते हैं। तीसरी समस्या ये है कि खाद्यान्न का गेहूं का पैकेट 51 किलो, चावल का पैकेट 50 किलो 500 ग्राम का एवरेज के हिसाब से देते हैं। चौथी समस्या ये है कि इन पैकेटों का जो बाहर दाने का वजन है वो भी नहीं काटा जाता। पांचवी समस्या ये है कि यहाँ जो प्राइवेट कर्मचारी बैठते हैं वो 100 रुपया नंबर लगाने के लेते हैं। छठी समस्या ये है कि यहाँ मनमाने तरीके से पल्लेदारी कोटेदारों से अवैध रूप से वसूली जाती, जबकि नियम ये है कि कोटेदारों के ट्रैक्टर पर खाद्यान्न लदवाने का काम ठेकेदार का है, कोटेदार से कोई पैसा नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ अंदर का कांटा जिससे ये तौल के देना चाहते हैं वो कांटा चेक नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें अधिकार नहीं है कांटा चेक करने का, और गोदाम बंद 2 दिन से करके और भाग गए। तो सारे कोटेदार मतलब इस समय सारे कोटेदार 2 दिन से लगातार परेशान हैं, और वितरण की तारीख शासन द्वारा 2 से 15 निर्धारित की जा चुकी है। 2 फरवरी 15 जबकि एवरेज जो पैकेट देते हैं उसका वजन 45-46 किलो निकलता है, 51 किलो कहाँ से पूरा हो? फिर आप कैसे पूर्ति करते हैं? पूर्ति कहाँ हो रही है भाई, यही तो लड़ाई हमारी चल रही है, नहीं कर पा रहे। गालियाँ खाते हैं कोटेदार कार्ड धारकों की, शिकायतें होती हैं, सस्पेंड हो रही हैं दुकानें, जांचें होती हैं, हमारी जांच 1 मिनट में हो जाती है। कार्ड धारक ने शिकायत की, हमारी जांच हो गई। हम यहाँ 2 दिन से चिल्ला रहे हैं, कोई अधिकारी जांच करने नहीं आया, इस गोदाम की ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ? ये एक नहीं, ये गोदाम पूरे जिले की, पूरे प्रदेश की गोदामों का यही हाल। तो धरना ये शासन की मिली भगत से कोटेदार लूटा जा रहा है, इन्हें चोर साबित किया जा रहा है। चोर तो ये बड़े डकैत बैठे हैं गोदाम प्रभारी। तो धरना जी आपका कब तक चलेगा? धरना जब तक चलेगा हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती। माननीय एसडीएम साहब को हम आज मांग पत्र दे रहे हैं अपना, जब तक मांग पूरी नहीं करें तब तक नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।